तांत्रिक शब्द सुनते ही दिमाग में छवि बनती है भूत प्रेतों जादू टोना ऐसी सभी चीजों की। लेकिन आज जिस तांत्रिक की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका भूत प्रेतों से नहीं राजनेताओं से रिश्ता था। अब लोग यहाँ पे रुक के बोल सकते हैं कि इनमें कितना ही फर्क होता है, अपनी अपनी राय है लोगों की, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। राजनेता अलग, भूत प्रेत अलग। हम जिस तांत्रिक की बात करने वाले हैं आज तारीख के एपिसोड में, वो छोटे मोटे राजनेताओं के चक्कर में नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री और देश के और विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से जुड़ी हुई बातें करते थे, उनसे उनके संबंध थे। इस शख्स का नाम राजीव गांधी की हत्या से भी जुड़ा और दाऊद इब्राहिम से भी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 2 मई का दिन है और आज की तारीख का संबंध है एक तांत्रिक से। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक में किस्से का जिक्र करते हैं। 1991 का साल था, देश में आर्थिक संकट के बादल थे। नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की लेकिन फॉरेन रिजर्व खाली होने की कगार पर ही था। ऐसे में एक दिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने गुरु चंद्रास्वामी से मिलने गए। चंद्रास्वामी ने नरसिम्हा राव की लकीरों को देखते हुए कहा, हाथ की, ये दोस्त चिंता मत करो, मैंने अपने मित्र ब्रुनोई के शाह से बात की, उन्होंने कहा है कि जितना पैसा चाहिए उधार देंगे बिना एक भी सवाल पूछे। राव ने इस बात को एकदम सीरियसली ले लिया। तुरंत एक प्लेन तैयार किया गया ब्रुनोई से माल मंगवाने के लिए, माल मतलब पैसा और सोना। जब बाकी नेताओं और अफसरों को पता चला तो वो भागे भागे आए और उन्होंने राव को समझाया कि सर ऐसे नहीं हो सकता, देश विदेश का मामला है, नाक कट सकती है, शाह अपना मामा थोड़ी बैठा है जो जेबें और बगली भर के गिनियां दे देगा अपने को। चंद्रास्वामी की कहानी शुरू होती है 1948 से। उनके शुरुआती जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है लेकिन उनके अपने अनुसार बचपन से ही उनका दिल तंत्र साधना में था, इसीलिए छोटी उम्र में उन्होंने घर छोड़कर जंगल की शरण ली। कई साल जंगल में साधना करने के बाद 23 साल की उम्र में वो बनारस पहुंचते हैं और बनारस में धीरे धीरे उन्होंने ज्योतिषी के रूप में अपना नाम चमकाया और इसी दौर में कई नेता उनके शिष्य बने। इन्हीं में से एक थे पीवी नरसिम्हा राव, आगे चल के प्रधानमंत्री बन गए। राव 1971 से 1973 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते थे। उसी दौरान राव की मुलाकात चंद्रास्वामी से हुई थी और वो राव के साथ नजर आने लगे थे। धीरे धीरे चंद्रास्वामी का रिश्ता और नेताओं से भी जुड़ता गया। इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में आश्रम बनाने के लिए जमीन मुहैया करा दी। विदेशी नेताओं पर चंद्रास्वामी कैसे अपनी धाक जमाते थे इसको लेकर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट में एक किस्सा बताया है। 1975 का साल था, नटवर सिंह ब्रिटेन में भारतीय उप उच्चायुक्त के पद पर थे। इंदिरा के करीबी और पूर्व राज्यसभा सांसद यशपाल कपूर ने चंद्रास्वामी से कहा था कि लंदन जाओ तो नटवर सिंह से मिलकर आना। चंद्रास्वामी इंडिया हाउस में नटवर सिंह से मिलने पहुंचे और बातों ही बातों में उन्होंने मार्गरेट थैचर से मिलने की इच्छा जता दी। थैचर तब कंजर्वेटिव पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चंद्रास्वामी की बात सुनकर नटवर सिंह को कुछ आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने मार्गरेट थैचर तक ये बात पहुंचा दी। थैचर को भी ये बात अटपटी लगी लेकिन थैचर चूंकि इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थी इसीलिए जब उन्हें पता चला कि चंद्रास्वामी इंदिरा के करीबी हैं तो उन्होंने 10 मिनट की मीटिंग का टाइम दिया। चंद्रास्वामी जब थैचर से मिलने पहुंचे तो उनके सिर पर बड़ा तिलक, गले में रुद्राक्ष और ढेर सारी मालाएं और हाथ में एक लाठी थी। कमाल की बात यह थी कि चंद्रास्वामी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी इसीलिए नटवर सिंह उस रोज ट्रांसलेटर की भूमिका में थे। बात शुरू होते ही चंद्रास्वामी ने 2 कागज मंगवाए। पहले कागज पर चंद्रास्वामी ने ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक लाइन खींच दी और दूसरे कागज के 5 छोटे-छोटे टुकड़े करके थैचर को थमाए। इसके बाद चंद्रास्वामी ने थैचर से कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर जो सवाल पूछना चाहती हैं उन्हें कागज के टुकड़ों पर लिखकर दूसरे कागज में बने खांचों पर रख दें। थैचर ने ऐसा ही किया। इस कवायद के बाद चंद्रास्वामी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और थैचर से कागज पर लिखा कोई एक सवाल मन में पढ़ने को कहा। जैसे ही थैचर ने मन में सवाल पढ़ा चंद्रास्वामी ने वही सवाल ज्यों का त्यों दोहरा दिया। थैचर को थोड़ा अचरज हुआ। इसके बाद थैचर ने एक के बाद एक 5 सवाल मन में पढ़े और चंद्रास्वामी ने वही सवाल उनके सामने दोहरा दिए। अभी तक अनमने ढंग से इस कार्यलाप को देख रही थैचर अचानक से चंद्रास्वामी में दिलचस्पी लेने लगी। चंद्रास्वामी ने थैचर के 5 सवालों को बिना पढ़े बता दिया था। माहौल बनता देख चंद्रास्वामी सोफे पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। नटवर सिंह ये सारी गतिविधि देख कर घबरा रहे थे लेकिन थैचर हर चीज़ को मूक सहमति देती जा रही थी।
थैचर सवाल पूछ रही थी और चंद्रा स्वामी जवाब दे रहे थे। अचानक चंद्रा स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब सूर्यास्त हो गया और अब और सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद वो थैचर ही थीं जिन्होंने अपनी तरफ से पूछा कि वो चंद्रा स्वामी से अगली बार कब मिल सकती हैं। इस पर चंद्रा स्वामी ने शांत स्वर में नटवर सिंह से कहा, बोल दो मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे नटवर सिंह के घर पर। इतना सुनना था कि नटवर सिंह बौखला गए। उन्होंने थैचर को ये बताने के बजाय उल्टा चंद्रा स्वामी से कहा कि ये हिंदुस्तान नहीं है, किसी देश के विपक्षी नेता की सुविधा जाने बिना उससे ऐसी बात नहीं कह सकते। चंद्रा स्वामी ने शांत स्वर में नटवर सिंह से कहा कि आप बस अनुवाद कर दीजिए और फिर देखना। अब चौंकने की बारी नटवर सिंह की थी। जैसे ही नटवर ने अंग्रेजी में ये बात थैचर को बता दी, थैचर झट से तैयार हो गई। उन्होंने नटवर से उनके घर का पता भी लिया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर को एक ताबीज दिया। नटवर सिंह लिखते हैं कि तय दिन और तय वक्त पर मार्गरेट थैचर नटवर सिंह के घर पहुंची। और भी हैरानी की बात यह थी कि मार्गरेट थैचर ने वही ताबीज पहना था जो चंद्रा स्वामी ने उन्हें दिया था। उस रोज थैचर ने अपने मन की इच्छा चंद्रा स्वामी के सामने दोहराई और पूछा कि मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगी। चंद्रा स्वामी ने जवाब दिया कि अगले 3 या 4 साल में। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि थैचर 9, 11 या 13 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगी। आश्चर्यजनक रूप से ये बात भी सच साबित हुई। 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और 1990 तक यानी कि 11 साल के लिए प्रधानमंत्री रहीं। कुछ ऐसा ही जादू चंद्रा स्वामी ने ब्रुनेई के सुल्तान, बहरीन के शासक और जायर के राष्ट्राध्यक्ष पर भी चलाया था। सत्ता और विपक्ष दोनों जगह उनकी पैठ थी, इसीलिए 1993 में उन्होंने राम मंदिर मामले में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव नाम के हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी हुई। बबलू श्रीवास्तव कभी दाऊद इब्राहिम का साथी हुआ करता था और 1993 बम धमाकों के बाद उसने खुद को डी कंपनी से अलग किया। पुलिस से पूछताछ के दौरान बबलू ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 1989 में दाऊद ने चंद्रा स्वामी को 3 भागों में एक बड़ी रकम दी थी, जिसे हवाला के रास्ते चंद्रा स्वामी ने खा पाया। इसी दौरान स्वामी पर दाऊद और अदनान खशोगी के बीच हथियारों की डील में बिचौलिया का रोल निभाने का आरोप भी लग गया। बबलू ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय में अपनी पहुंच के चलते चंद्रा स्वामी से खुद पर लगे सभी मामलों को उन्होंने दबा दिया था। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट जिसे वोहरा कमेटी के सामने पेश किया गया था, उसमें भी चंद्रा स्वामी के दाऊद के साथ रिश्तों की बात कही गई थी। इन सब के बावजूद अपने राजनीतिक रसूख के चलते चंद्रा स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बबलू ने साथ ही साथ चंद्रा स्वामी पर कुछ और आरोप भी लगाए। उसके अनुसार चंद्रा स्वामी के कहने पर उसने जनाधार पत्रिका के प्रकाशक राजेंद्र जैन की कार में बम लगाया और 2 साधुओं नारायण और नित्यानंद मुनि का अपहरण किया। स्वामी की पहुंच स्वयं प्रधानमंत्री तक थी, इसीलिए शुरुआत में तो उन पर किसी ने हाथ नहीं डाला। लेकिन जब 1995 में कांग्रेस में सत्ता को लेकर नई उठापटक का दौर शुरू हुआ तो चंद्रा स्वामी के राजनीतिक विरोधी गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने CBI को चंद्रा स्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। 1995 में ब्रिटेन के गुजराती व्यापारी लखुभाई पाठक ने चंद्रा स्वामी पर 1,00,000 पाउंड की ठगी का आरोप लगा दिया और इस मामले में आज यानी 2 मई 1996 ही वो तारीख थी जिस दिन से राजनेताओं को अपनी जेब में रखने वाले इस तांत्रिक की उल्टी गिनती शुरू हुई। उस रोज कई पत्रकारों को एक साथ टिप मिली कि चेन्नई के सिंदूरी होटल में CBI पहुंची है और एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होने वाली है। CBI के जॉइंट डायरेक्टर डी मुखर्जी टीम को लीड कर रहे थे। उनको निर्देश मिले थे कि किसी भी तरह से चंद्रा स्वामी को गिरफ्तार कर उसी शाम दिल्ली लाया जाए। कुछ देर में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो चंद्रा स्वामी के काफी नजदीक थे, वो भी होटल पहुंच गए, लेकिन CBI ने उन्हें चंद्रा स्वामी से मिलने नहीं दिया। रात के करीब 1 बजे थे, चंद्रा स्वामी CBI के साथ चलने को तैयार नहीं हो रहे थे। किसी तरह उन्हें मनाकर नीचे लॉबी में लाया गया और पुलिस सीधे उन्हें दिल्ली ले ही गई। इस सब के बाद ED ने चंद्रा स्वामी पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज किए और चंद्रा स्वामी तिहाड़ी हो गए, तिहाड़ में रहने वाले तिहाड़ी। 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार की रुखसती के बाद चंद्रा स्वामी सत्ता के केंद्र से बाहर हुए, लेकिन उनके दोस्त हर जगह मौजूद थे। तमाम मुकदमों के बावजूद उन्हें आसानी से जमानत मिल गई और वो दिल्ली के एक आलीशान इलाके में बने फार्म हाउस में रहे। साल 1997 में जैन कमीशन के सामने कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया कि राजीव गांधी की हत्या की फंडिंग में वो शामिल थे। जैन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या में स्वामी के रोल का जिक्र किया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। साल 2011 में ED ने उनके ऊपर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सोचिए, जुर्माना अगर 9 करोड़ का है तो और इल्जाम कितना होगा। साल 2017-23 मई को भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद किरदारों में से एक
तांत्रिक चंद्रा स्वामी की मौत हो गई। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।